डिफरेंशियल इक्वेशन के इस वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर ऑफ डिग्री कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलो क्या होता है ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल सी। लेट अस सी वन एग्जांपल। d2y/dx2 + 2y d3y/dx3 to the power 2 + 2y = 5। देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसकी ऑर्डर और डिग्री हमें चेक करनी है, फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं देखो, ये पहले हम ऑर्डर का डेफिनेशन देखते हैं। क्या है ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर किसकी? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म की ऑर्डर होती है ना, ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर होती है। तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिया, इसमें यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी डेरिवेटिव की टर्म है और यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी डेरिवेटिव की टर्म है। ये दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव निकाला हुआ है। कितने बार? 3 बार। और यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव निकाला हुआ है। तो कौन सा ज्यादा डेरिवेटिव निकाला है, ज्यादा बार डेरिवेटिव निकाला है? ये इसका मतलब है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर 3 है। ऑर्डर समझ में आपको? ठीक है। अब डिग्री के बारे में सोचते हैं, क्या होता है डिग्री? डिग्री इज द इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। यहां इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है उसका जो इंडेक्स यानी पावर होता है ना, उसे हम डिग्री कहते हैं। देखिए यहां पे हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है, उसका पावर कितना है? 2। यानी इसकी ऑर्डर कितनी हो गई? बोलो, 3 हो गई। डिग्री कितनी हो गई? डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। ऑर्डर 3, डिग्री 2। ये सबसे इजी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया था। लेकिन आपको एक प्रिकॉशन लेना होता है जब हम डिग्री निकालते हैं, तब कौन सी प्रिकॉशन लेना होता है? व्हेन वी आर टेकिंग डिग्री और व्हेन वी आर टू फाइंड अ डिग्री, कीप इन योर माइंड दैट नो डिवाइड बाय डीएक्स टर्म। बोलो बोलो, क्या बोला मैंने? नो डिवाइड बाय डीएक्स टर्म अंडर रेडिकल साइन, यानी स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में डिवाइड बाय डीएक्स टर्म नहीं होना चाहिए। No divided by dx term has fractional power. It means divided by dx का कोई भी power fractional नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी derivative term का power fractional नहीं होना चाहिए। Derivative term denominator में नहीं होनी चाहिए, यानी derivative term को negative power नहीं होना चाहिए जब हम degree निकालते तब। क्यों ऐसा हो रहा है? ये हमें पता होता है degree हमेशा natural number में होती है। Degree हमेशा 0 से बड़े हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे डिग्री होते हैं। इसलिए डिग्री निकालते समय ध्यान में रखना है डेरिवेटिव की टर्म कोई भी फंक्शन के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैंने और एक एग्जांपल लिया तो इसकी डिग्री और ऑर्डर कैसे निकालनी, देखो d3y/dx3 to the power 2 + dy/dx = sin of d4y/dx4। देखो यहां पे एक मिनट, मैं यहां पे चेंज करता हूं, सिर्फ सिंपल dy/dx लेता हूं। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो भाई, इसकी ऑर्डर और डिग्री मुझे निकालनी है। तो ऑर्डर तो बहुत आसान है, ऑर्डर की कोई कोई कंडीशन नहीं होती है। डेरिवेटिव की टर्म देखो बेटा, इधर एक डेरिवेटिव टर्म है, इधर एक डेरिवेटिव टर्म है, इधर एक डेरिवेटिव टर्म है। इसमें सबसे ज्यादा डेरिवेटिव वाली टर्म कौन सी है? ये, यानी ऑर्डर तो 3 बन गई। तो आपके मन में लगता होगा अभी इसकी डिग्री 2 है क्या सर? नहीं, पता नहीं है, क्योंकि जब हम डिग्री निकालते हैं तब कोई भी डेरिवेटिव की टर्म किसी फंक्शन का वेरिएबल बन के नहीं आनी चाहिए। देखिए ये हमारा dy/dx का एक टर्म साइन के अंदर थीटा बन के आया, ये नहीं चलता, तब हम डिग्री नहीं निकाल सकते। फर्स्ट हमें इस यहां से जो साइन है ना वो हटाना पड़ेगा। चलो भाई, मुझे इधर का साइन हटाना है तो दोनों साइड का साइन इनवर्स लेना पड़ेगा। जब मैं साइन इनवर्स लेता हूं ना, तो इतने सब दोनों डेरिवेटिव के टर्म्स साइन इनवर्स के अंदर चले जाएंगे, फिर से प्रॉब्लम। यानी यहां पे हम ना इस साइन हटा सकते हैं, ना इधर का साइन इनवर्स लेके डिग्री निकाल सकते हैं। इट मींस दैट डिग्री हम यहां बोलेंगे नॉट डिफाइंड। समझ में आया? हाँ। लेकिन सपोज मान लीजिएगा यहां पे ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है, d2y/dx2 + y, a है सपोज tan of d2y/dx2 + y = y² + x² ये इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको मैंने ऑर्डर और डिग्री पूछा।
तो आपको समझना है ऑर्डर तो दो है राइट, लेकिन डिग्री निकालते समय प्रॉब्लम आ रहा है कौन सा, ये टैन के पेट में है हमारे लिक्विड में, टैन के इट मींस दैट टैन का एंगल बनकर डेरिवेटिव की टर्म आई है, ये नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं इस टैन को हटाना चाहता हूं, इट मींस दैट आई हैव टू टेक टैन इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, सो दैट डी टू वाई बाई डी एच टू प्लस वाई इक्वल टू टैन इनवर्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया राइट। इट मींस यहां पे मैंने इजीली डेरिवेटिव टर्म को फ्री किया है, इट मींस आई कैन फाइंड द ऑर्डर, ऑर्डर मैंने पहले फाइंड किया है, डिग्री फाइंड कर सकता हूं, इसकी डिग्री कितनी हो गई है वन। तो ये बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पूछा सर वैसे तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ डिग्री, हाँ सी बता सकता है, लेकिन हर समय ये पॉसिबल नहीं होता, इसमें पॉसिबल हो रहा है तो डायरेक्टली देख सकता है एमसीक्यू के समय, अगर थ्योरी का सब तो सॉल्व कर रहा है तो ये स्टेप करनी होती है ठीक है, समझ में आया ऑर्डर डिग्री। फिर इसका एक एमसीक्यू देखते हैं, इसके ऊपर तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे बनता है, थोड़ा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा अलग सोचना पड़ता है हमें, सॉल्व करते समय बनाते समय उनको सोचना होता है। देखो एक क्वेश्चन कैसा आया है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू ए इज टू एक्स प्लस बी इज टू टू एक्स प्लस सी इज टू माइनस थ्री एक्स, इसकी ऑर्डर मुझे निकालनी है, ऑप्शन दिया है उन्होंने जीरो बी वन है सी टू है डी थ्री है, ये एक सम हो गया, और एक सम लिखते हैं द डिग्री ऑफ डी थ्री वाई बाय डी एक्स थ्री प्लस फाइव डी टू वाई बाई डी एक्स टू स्क्वेर इक्वल टू एक्स स्क्वेर लॉग ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी थ्री, ऑप्शन डी नॉट डिफाइंड, और एक सम लेते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हूज एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ऑप्शन ए टू कॉमा वन, ऑप्शन बी वन कॉमा टू, ऑप्शन सी टू कॉमा टू, ऑप्शन डी वन कॉमा वन, ठीक है। अभी देखिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हूज एक्सिस इज एक्स एक्सिस, क्वेश्चन तीन क्वेश्चन बने लिए, विल डिस्कस वन बाय वन इन शॉर्ट। देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिस, यहाँ पे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया है, ये क्या चाहते हैं हमें हमसे, पहले इसका आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ और उसके ऑर्डर निकालो, तो बनाने की जरूरत नहीं भाई, काउंट करो कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है इसमें, एक दो तीन, इसका मतलब है इसको तीन बार डेरिवेटिव करना पड़ता है, इसका मतलब इसकी ऑर्डर तीन हो गई, आंसर ऑप्शन डी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डिग्री ऑफ दिस, इसकी डिग्री पूछा है, जैसे हमने एक सम साइन का सम डिस्कस किया था पहले, ये लॉग ऑफ समथिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लॉग के अंदर गया, इसको अगर मुझे हटाना है तो पहले एक्स स्क्वायर को नीचे ट्रांसफर करना पड़ेगा एंड देन एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा दोनों साइड का, एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो फिर से ये डेरिवेटिव टर्म ई के पावर में चले जाएंगे, इसका मतलब है डिग्री नहीं निकाल सकते, इसका आंसर आया नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हूज एक्सिस इज एक्स एक्सिस, देखिए पैराबोला का जो इक्वेशन होता है जिसका एक्सिस एक्स एक्सिस को पैरेलल है वो इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला देखिए ये ऐसा पैराबोला है, एक पैराबोला होता है स्टैंडर्ड पैराबोला जो हमें पता होता है, ठीक वन मिनट, ये ऐसा होता है ठीक है ना, हाँ ये सब पैराबोलास, ये सब पैराबोलास आ रहे हैं हमारे इस क्वेश्चन के, ये साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है, ये सब पैराबोलास आ रहे हैं, ये सब पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो कैसे होता है, वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए इन ब्रैकेट एक्स माइनस एच, बट सबका वर्टिक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है इसलिए के जीरो आ जाएगा, एच को मजीरो वर्टिक्स होता है इसलिए इक्वेशन आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए इन ब्रैकेट एक्स माइनस एच, देखो कितने कॉन्स्टेंट्स है, दो कॉन्स्टेंट्स है, इसका मतलब इसके ऑर्डर कितनी हो गई, टू हो गई बराबर है, ऑर्डर टू हो गई, ऑर्डर टू कितने बार दिया है, दो
दो विभाग दिया है, यानी एक तो ए ऑप्शन सही होगा नहीं तो सी ऑप्शन सही होगा। और एक बात है, डिग्री किससे निकालते हैं, डिग्री निकालने के लिए आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे दो बार डेरिवेटिव लेंगे, जब दो बार डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, सोचो टू वाई डिवाइड बाई डीएक्स एक बार होगा, और जब और एक बार डेरिवेटिव लोगे तो डी टू बाई डीएक्स टू होगा, उसका पावर कितना रहेगा, वन रहेगा। इसका मतलब आप चेक करो, इसका मतलब डिग्री कितनी होगी, वन। ऑप्शन क्या है, ए। तो इस तरीके से हम ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की निकाल सकते हैं। इट इज वेरी और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है दो मार्क के एमसीक्यू के एग्जामिनेशन में, सीटी में इसके ऊपर का सम आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी दो मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है ऑर्डर डिग्री का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, और हम आगे के वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन कब यूज करना होता है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, आईएफ क्या होता है, और वो कैसे फाइंड करना है, कैसे सॉल्व करना है, जनरल सोल्यूशन कैसे निकालना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एप्लीकेशन होते हैं वो कौन से होते हैं, ये हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करो इसको, क्योंकि आपको आगे की वीडियो अगर मेरे देखना है तो जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।